कैसा एक्सपीरियंस रहता है खेसारी जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत कंफर्टेबल होके काम कराते हैं, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या ही हो सकता है। खेसारी जी के साथ आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो गाने में तो देते हैं, फिल्म में कब नजर आएंगे? बहुत जल्दी, आई होप कल परसों नरसों। मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, पवन जी इज़ अ सुपर स्टार, तो ऐसा तो है नहीं। चनिया कारण हो गया, भाला चली हो गया, टमाटर जैसन हो गया, जितने भी मेरे गाने हैं सब सुपर हिट। मैं हिमाचली, गढ़वाली, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी। सबसे ज़्यादा किस भाषा में काम करके आपको अच्छा लगता है? सपना जी की खूबसूरती का क्या राज है? मैं हिमाचल से हूँ ना, हिमाचल। टमाटर जैसन दांते से कट लो राते, गोलिया हो टमाटर जैसन। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एचडी न्यूज़। दोस्तों आज हमारे साथ है खूबसूरत प्यारी सी एक्ट्रेस सपना चौहान जी। मैडम स्वागत है आपका, कैसी हैं? थैंक यू सो मच, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। गाने की शूटिंग हो रही है, कितने गानों की शूटिंग हो रही है? अभी तो फ़िलहाल 2-3 गाने शूट हुए हैं और बहुत अच्छे शूट हुए हैं। अभी भी एक सेट लगा हुआ है, आप देख ही रहे हैं जी। तो बहुत बहुत बवाल 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 सब आने वाला है। कब तक हमारे दर्शकों को देखने को मिलेगा? बहुत जल्दी, आई होप कि नरसो परसो तरसो। जी बस आप इंतजार कीजिए, बहुत जल्दी बहुत बड़े धमाके आने वाले हैं। खेसारी जी के साथ आपने जितने भी गाने किए हैं लगभग सभी सुपर डुपर हिट रहे हैं, और आगे कौन कौन से उनके साथ गाने आने वाले हैं? या मेरे जितने भी गाने उनके साथ आए हैं वो सब सुपर हिट हैं, मतलब नचनिया कारण हो गया, भाला चली हो गया, टमाटर जैसन हो गया, जितने भी मेरे गाने हैं सब सुपर हिट हैं, टचवुड, आई एम सो लकी। और अभी जो गाने आने वाले हैं वो बहुत अच्छे आने वाले हैं, मतलब बहुत धमाका होने वाला है, क्योंकि इतनी मेहनत हम लोग कर रहे हैं और नया नया कुछ सोच रहे हैं, तो ये नई चीज़ आप सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। कैसा एक्सपीरियंस रहता है खेसारी जी के साथ काम करके? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, वो बहुत कंफर्टेबल होके काम कराते हैं, तो इससे अच्छा एक्सपीरियंस और क्या ही हो सकता है। भोजपुरी में आप किस स्टार के साथ शुरुआत किए थे? मैं खेसारी जी के साथ ही शुरुआत किया था मैंने, तो जब मैं आई थी, मैं एक फिल्म के लिए आई थी पहले तो, बट मतलब वो फिल्म हुई नहीं पूरी, तो फिर उसके बाद मैं एल्बम्स किया खेसारी जी के साथ और वो हिट हो गई, तो जो कुछ भी है फिर आप लोगों के सामने ही है। आप किन किन भाषाओं में काम करते हैं, किन किन इंडस्ट्री? मैं हिमाचल से हूँ, तो मैं हिमाचली, गढ़वाली, पंजाबी, हिंदी, भोजपुरी। सबसे ज़्यादा किस भाषा में काम करके आपको अच्छा लगता है? सारी, मुझे नई नई भाषाएं सीखने का बहुत शौक है। यहाँ पे इतनी, मतलब मैं इतना कुछ सीख चुकी हूँ, गोड़ लगातानी जी रवा कई सुनवानी तो ये सब मैं सीख चुकी हूँ, तो मुझे सारी लैंग्वेज अच्छी लगती है, जो भी मतलब मुझे सीखने को मिल जाए बस। पवन जी के साथ उनके गाने में नजर आई थी हरकत वाला, उड़ने वाला, जी उनके साथ काम करके आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, इट वॉज रियली ग्रेट, मतलब मेरे लिए बहुत अच्छी, बहुत बड़ी बात है, पवन जी इज़ अ सुपर स्टार, तो ऐसा तो है नहीं, सो मुझे उनके साथ काम करके जितना कंफर्टेबल फील हुआ, हमने एक फ़िल्म की थी, फिल्म का गाना था वो, तो उसको भी आपने बहुत सारा प्यार दिया, बहुत सारा सपोर्ट किया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। उनके साथ फिल्म में भी नज़र आ रही है जियो मेरी जान, काफ़ी चर्चा चल रहा है उसका, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी फिल्म जब आएगी तो आप सभी को बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि उसमें सब कुछ बहुत अच्छा है, कंटेंट बहुत अच्छा है और फिल्म बहुत अच्छी है, और पवन जी तो आपको पता ही है, वो तो ऑलवेज स्टार हैं, सुपर स्टार हैं, तो उनकी फिल्म तो ऑब्वियस ही बात है लाजवाब रहती है। जियो मेरी जान की पहली झलक कब देखने को मिलेगी? अभी तो फिलहाल अभी फिल्म कंप्लीट हुई है, तो मे बी शायद जल्दी फिल्म देखने को मिले, आई होप। खेसारी जी के साथ अभी आपने कोई फिल्म ऑफर हुआ है क्या, नहीं या फिर फिल्म में? अरे ऑफकोर्स ज़रूर, मैं जैसे मतलब ऑफर करते हैं फिल्म, बट अभी मैं इसीलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि जो मेरे पहले के प्रोजेक्ट्स हैं उसकी वजह से मेरे को थोड़ी सी दिक्कत। खेसारी जी के साथ आपने हिट गाने दे दिए और फिल्म पवन जी के साथ कर लिए? हाँ, अरे ऐसा कुछ नहीं है, काम करना है, कोई बात नहीं, खेसारी जी के साथ गाना किया है वो भी तो सुपर डुपर हिट है। जी बिल्कुल, खेसारी जी के साथ आपको ऑडियंस बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, तो गाने में तो देते हैं, फिल्म में कब नजर आएंगे? बहुत जल्दी, आई होप
कल परसों नरसों तरसों कल परसों नरसों तो इतना जल्दी फिल्म की तैयारी हो जाएगी मतलब शूटिंग कब और एडिटिंग कब और रिलीजिंग कब? होप सो कि बहुत जल्दी आए, बहुत जल्दी, बिकॉज आप सभी बहुत सारा प्यार देते हैं, तो फिल्म तो जब आएगी तो आप सब देखते रहेंगे। खेसारी जी के साथ आपने इतने हिट गाने दिए हैं, कोई आपको जो प्यारा सॉन्ग लगे जो वो सुना दीजिए। प्यारा गाना, सारे प्यारे गाने, जो आपका फेवरेट हो। मेरा ये वाला सॉन्ग फेवरेट है, टमाटर जैसन दांते से कट लो राते गालियां हो टमाटर जैसन। आप तो बहुत अच्छा गाती हैं, आपको सिंगर होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, मैं सिर्फ बाथरूम सिंगर हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। सपना जी की खूबसूरती का क्या राज है? मैं हिमाचल से हूँ ना, हिमाचल। हाँ, हिमाचल के लोग वैसे भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होते हैं। जी जी जी, वहाँ के मतलब हर जगह के लोग अपनी अपनी पर्सनालिटीज़ होती हैं, तो हर जगह का अपना अपना एक खूबसूरती होती है। अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहिए? अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हमारे बहुत जल्दी आने वाले हैं, आई होप बहुत जल्दी आएँ, और जब आएंगे तो ऑब्वियस सी बात है तहलका मच जाएगा, बिकॉज हम जो लेके आ रहे हैं वो बहुत बहुत बवाल लेके आ रहे हैं। सेंट की सीसी के लेकर क्या कहना चाहेंगे? सेंट की सीसी आप देखिए, इत्र महक रहा है, महक रहा है, तो वो गाना भी बहुत प्यारा गाना है, आप सभी बहुत प्यार दे रहे हैं उस गाने को, थैंक यू सो मच। और जब हमने शूट किया था तो बहुत जल्दी में शूट हुआ था, और रिजल्ट आप सबके सामने ही है। ज़्यादा समय नहीं लगे आपका, अंततः हमारे दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहना चाहूँगी कि प्यार और आशीर्वाद सभी आर्टिस्टों पे बनाए रखे, क्योंकि आप सभी के प्यार के बिना एक आर्टिस्ट है ही नहीं। तो बस यही है कि प्यार और आशीर्वाद बहुत बहुत ज़रूरी है, तो मेरा हाथ जोड़ के विनती है। ये तो आप अपने लिए बोले, हमारे चैनल के लिए क्या बोलना चाहेंगे? आपके चैनल के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, बहुत ऊपर 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 जाए। थैंक यू सो मच, आपने इतना समय दिया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आज थे हमारे साथ एक्ट्रेस सपना चौहान जी, और इनके गाने को ढेर सारा प्यार दीजिए, और इनके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।